राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 का विजन रखा। मंत्रिपरिषद की बैठक में भी उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान में राजस्थान के साथ साथ केंद्र और मोदी सरकार अहम भूमिका निभाएगी। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ। कार्यक्रम में आज बात सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे की। दिल्ली में सीएम भजनलाल ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया, संबोधित किया। वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में भी राज्यों को लेकर जो महत्वपूर्ण सुझाव रहे उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार की ओर से किए जा रहे नवाचारों, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, पेयजल या फिर स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में, उन सब पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही। केंद्र सरकार की मदद के साथ राजस्थान विभिन्न पायदानों में आगे बढ़ रहा है। यमुना जल समझौते और ERCP के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जताया। उन्होंने कहा, राजस्थान की प्यासी जनता को बड़ी राहत देने का काम इस डबल इंजन की सरकार ने किया है, ये राजस्थान की जनता भी बखूबी जानती है। उन्होंने कहा कि पर्यटन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्व संग्रहण के विभिन्न कार्यों को गति देने के काम किया जा रहा है। रोजगार की दिशा में केंद्र सरकार से मिले दिशा निर्देशों के आधार पर नई नीतियों का निर्माण किया जा रहा है। वहीं कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक रोजगार राजस्थान में सृजित हो। केंद्र के दिशा निर्देशों के आधार पर राजस्थान में भी इस गति को रफ्तार दी जा रही है। गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, ऐसे में तमाम संभावनाओं को भी नए सिरे से डेवलप किया जा रहा है। राजस्थान उन तमाम संभावनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है जो विकसित भारत 2047 के आधार पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सोचा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान में विकास की गति और धारा दोनों ही तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ेंगी। विभिन्न पायदानों के साथ हाल ही के बजट में किए गए प्रावधानों पर भी मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में इन बिंदुओं को शामिल करते हुए कहा कि प्रत्येक सेक्टर और समेकित विकास की पहल राजस्थान की बीजेपी सरकार कर रही है। केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी टीम का उन्होंने आभार जताया। साथ ही कहा कि जो विकसित भारत का सपना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देखा हुआ है उसे पूरा करने के लिए वो कृतसंकल्प है। विभिन्न विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही राजस्थान की भावी आवश्यकताओं पर भी उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार से पूरा सहयोग मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। ऐसे में राजस्थान उन तमाम लक्ष्यों को पूरा करेगा जो केंद्र ने निर्धारित किए हैं। ये बेहद अहम बैठकें दिल्ली दौरे को दौरान रही, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक और साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक, दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बीजेपी मुख्यालय में हुई मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में तमाम विषयों पर विषयवार चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि NDA सरकार और बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के लिहाज से जो मापदंड तय किए गए हैं उन्हें पूरा करें, उनके आधार पर काम करें। युवा, महिला और देश के नागरिकों के हित से जुड़ी योजनाओं को, केंद्र की तमाम योजनाओं को ना केवल जमीनी स्तर पर पूरा करें साथ ही प्रभावी मॉनिटरिंग भी करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही के बजटीय प्रावधानों में केंद्र की ओर से किए गए महत्वपूर्ण विषयों पर मोदी सरकार का आभार भी जताया। कहा कि केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को लागू करने में राजस्थान सजग है, राजस्थान इस दिशा में अपनी महती भूमिका भी निभाएगा। आप देख रहे थे राजस्थान चौक। राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस बैठक के बाद राजस्थान और केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर आपकी क्या राय है। नमस्कार।